अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हमारी जो क्लासेस चल रही है, इससे पहले जो हमने टॉपिक दिया था क्रिएटिंग एन इफेक्टिव विंडो डिस्प्ले का, वो आपने देखा होगा। आई होप कि आपने वो प्रॉपरली देखा होगा। उसमें जो कोई भी आपको क्वेश्चन होगा, कुछ भी होगा, उसका मुझे प्रॉपर फीडबैक दे, तो तब जाके जो है मैं उसमें आपके जो डाउट्स है वो क्लियर कर पाऊँ। तो आज जो हमारा टॉपिक है, ये नया टॉपिक मैंने लिया है, तो ये फंक्शंस ऑफ ए स्टोर एसोसिएट। देखिए, स्टोर एसोसिएट्स जो होते हैं उन एक रिटेल स्टोर को जो है ऑपरेट करते हैं। एक रिटेल स्टोर में एक इम्पोर्टेंट पोजीशन रहती है स्टोर एसोसिएट्स की, क्योंकि यही एक ये ऐसे पर्संस होते हैं जो स्टोर को जो है वो ऑपरेट करते हैं और बिजनेस एक्टिविटीज को इजीली रन करते हैं। यही वो पर्संस होते हैं जो कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन में रहते हैं। तो इनका तो इम्पोर्टेंट रोल रहता है रिटेल बिजनेस में। देखिए, अब जो ये स्टोर एसोसिएट्स होते हैं, इनके डिफरेंट पोजीशंस होती है। कोई स्टोर एसोसिएट जो है वो विजुअल मर्केंडाइजर का काम करता है, कोई एसोसिएट जो है वो स्टॉक में रहता है, वो स्टॉक को देखता है, या कोई एसोसिएट जो है आपका कैशियर का काम करता है। तो डिफरेंट पोजीशंस पे इनको रखा जाता है, डिफरेंट जगहों पे रखा जाता है। या कोई सेल्स एसोसिएट जो है आपका किसी डिपार्टमेंट के अंदर किसी पर्टिकुलर सेक्शन में रहता है। सपोज एक अपैरल स्टोर में जो है मेंस के सेक्शन में एक सेल्स एसोसिएट काम करेगा, वुमेन्स वेयर में एक और एसोसिएट काम करेगा। तो ऐसे जो है ऐसे काम होता है एक रिटेल स्टोर के अंदर इन सेल्स एसोसिएट्स का। तो आज जो है हम फर्स्ट जो सेल्स एसोसिएट का जो टाइप है वो हम पढ़ेंगे, स्टॉक एंड इन्वेंटरी एसोसिएट। जो ऐसे सेल्स पर्सन जो स्टॉक को देखते हैं और इन्वेंटरी को मैनेज करते हैं, जो आपका सामान होता है, स्टॉक होता है, उसको जो है वो उन चीजों को जो है वो कैसे मैनेज करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, और क्या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या वो रोल्स प्ले करते हैं स्टॉक और इन्वेंटरी को मैनेज करने में, ये आज हम पढ़ेंगे स्टॉक और इन्वेंटरी एसोसिएट में। देखिए, स्टॉक और इन्वेंटरी एसोसिएट्स जो होते हैं, इनका इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि ये पहले ही देखें कि सामान हमारे पास क्या आ रहा है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जो सामान इनके पास आ रहा है उसको चेक करे, प्रॉपरली उसको चेक करे, उसको मॉनिटर करे, देखे। इसके अलावा जो जब ये इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये भी रहती है कि ये जो सामान इनके पास आता है उसको इनको अनपैक करना पड़े, क्योंकि वो सामान जो है पैकेड रहता है, बड़े बड़े कार्टन्स में वो रहता है, पैकेड रहता है, उसको पहले वो अनपैक करते हैं, ये इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, और अगर जो सामान इनको स्टॉक में रखना है उसके लिए एक प्रॉपर स्टोर रहता है रिटेल स्टोर के अंदर, तो उस मर्केंडाइज को ये स्टोर करके रखते हैं। इसके बाद एक और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी इनकी रहती है कि ये जो है प्रोडक्ट्स को उस जगह पे रखे, उस जगह ऑर्गेनाइज करके रखे जहां पे इजीली एक्सेसिबल हो कस्टमर के लिए भी और इन सेल्स एसोसिएट्स के लिए भी। और इनको ढूंढने में अगर कोई भी सामान स्टॉक में आपके पड़ा है तो उसकी जो है एक इन्वेंटरी प्रॉपरली आप इन्वेंटरी मेंटेन करके रखे, वेदर आप जो है मैन्युअली करते हैं या किसी सिस्टम के अंदर, कोई आपके पास कोई गैजेट है, कंप्यूटर सिस्टम है, उसके अंदर आप इन्वेंटरी करते हैं और वहां पे आप ये जो है प्रोडक्ट्स का साइज, बैच नंबर, सारी चीजें एंटर करके रखते हैं, सो दैट कि आपको जो है प्रोडक्ट्स को ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। इसके बाद एक इसी में मैं बताऊं, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी तो हो गई कि प्रोडक्ट्स को हमें वह उस जगह पर रखना है जहां से ये इजी एक्सेसिबल हो। इसके बाद एक और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है स्टॉक एंड इन्वेंटरी एसोसिएट्स की, कि ये जो है
स्टोर का जो ये स्टॉक जो ये रखते हैं वो विजुअली अपीलिंग हो, वो जो है कस्टमर को अपील करे, वो कस्टमर को अट्रैक्ट करे, तो ये काम भी इनका रहता है। और इनको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमारे पास जो स्टॉक है वो मेंटेन रहना चाहिए, उसकी इन्वेंटरी मेंटेन रहनी चाहिए, हमारे पास जो स्टॉक है वो मैनेज होना चाहिए, हमारे पास कभी स्टॉक की शॉर्टेज ना हो, उसी से हमारा जो स्टोर है वो रन करेगा। क्योंकि अगर हमारे पास शॉर्टेजेस आ जाती है गुड्स की, प्रोडक्ट्स की, तो उससे क्या होगा, कस्टमर जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हो उनको हम सप्लाई नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि कॉन्स्टेंटली हमारे पास गुड्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा इनका ये भी काम रहता है कि ये ब्रांड इमेज, जो स्टोर की जो ब्रांड इमेज है, प्रोडक्ट्स को भी ये डेवलप करे, प्रोडक्ट्स को भी ये मैनेज करे, प्रॉपरली मैनेज करे। इसके अलावा ये स्टोर का भी ओवरऑल जो फ्लोर होता है या बाकी जो सेटअप होता है उसको भी मैनेज करके रखे, ये काम भी रहता है स्टोर एंड इन्वेंटरी एसोसिएट्स का। इसके अलावा कुछ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज है जो इन्वेंटरी एसोसिएट्स देखते हैं, इनको चेक करना होता है मर्केंडाइज को जब डिलीवरी आ जाती है। जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया यही मैं बता रहा हूँ, जब हमारे पास एक मर्केंडाइज आ जाता है, शिपमेंट आती है, तो उस टाइम पे हमें देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है प्रॉपरली मर्केंडाइज को, क्योंकि जो हमने परचेज ऑर्डर्स दिए होते हैं सप्लायर को, उनको हमें प्रॉपरली वो मैच होने चाहिए जो भी वहां से बिलिंग आई है सप्लायर के एंड से, जो भी सप्लायर ने प्रोडक्ट्स की बिल भेजी है। क्योंकि जो सपोज हमारे हमने 1000 पैकेट्स या पीसेस हमने ऑर्डर किए हैं, ठीक है, तो बिल जो है वो प्रॉपरली 1000 पीसेस की बनी है, जो सप्लायर ने बिल हमारे पास भेजी है, तो जो बिल हमारे पास आई है हमें ये प्रॉपरली चेक करना है कि प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर 1000 है या नहीं है। ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हम नंबरिंग करके या गिन गिन सकते हैं, वन बाय वन हम इसको देखेंगे, इनको काउंट कर सकते हैं, काउंट करके जो है हमें मैच करना है बिलिंग को और क्वांटिटीज को, कितने हमने परचेज ऑर्डर दिया है और कितने हमारी बिलिंग है। तो अगर ये प्रॉपरली होती है तो दैट इज वेल एंड गुड, और अगर इसमें कोई भी शॉर्टेज रहती है तो आपको जो है सप्लायर को लिखना है या मेल भेज सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये जो कुछ प्रोडक्ट्स जो है आपकी बिलिंग, हम आपकी बिलिंग को मैच नहीं करते, इसमें कुछ कमी है, कुछ शॉर्टेज है, जितने का आपने बिल भेजा है उसके हिसाब से प्रोडक्ट जो है हमारे पास नहीं आए हैं। तो ये जो है ये रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है स्टॉक एंड इन्वेंट्री मैनेजर्स की, इन्वेंट्री या एसोसिएट्स की। इसके अलावा इनको स्टॉक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ख्याल रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि स्टॉक जो है हमारे पास ऑल टाइम अवेलेबल हो, हमारी जो इन्वेंट्री है वो मैनेज होके चले। आई होप कि आपको ये जो पूरा जो लेक्चर है ये समझ आया होगा। इसमें और भी कुछ टाइप्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्या और कौन कौन से एसोसिएट्स जो है, किस किस टाइप के एसोसिएट जो है एक रिटेल स्टोर के अंदर होते हैं, और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या होती है। तो आज का जो है स्टॉक एंड इन्वेंटरी एसोसिएट, आप इस लेक्चर को प्रॉपरली देखिए, इसको समझिए, इसके बाद अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, वो मुझे प्लीज लिखिए, कमेंट्स में लिखिए, वॉइस मैसेज के थ्रू लिखिए, और मैं कोशिश करूंगा उन सारे डाउट्स को, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ब्लेस यू ऑल।